चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने आने वाले आईपीएल 2021 से पहले फॉर्म में वापसी के धमाकेदार संकेत दिए। दरअसल गुरुग्राम में खेले गए एक टी20 टूर्नामेंट में रैना ने निजावान वॉरियर्स की ओर से 46 गेंदों में 104 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगा दिए। यह मुकाबला निजावान वॉरियर्स और टाइटंस जेडएक्स की टीम के बीच खेला गया था। पहले खेलते हुए टाइटंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। लक्ष्य का पीछे करने उतरी निजावान वॉरियर्स की टीम ने सुरेश रैना की पारी के दम पर 19.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही जीत हासिल कर ली। रैना ने इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने विपक्षी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक और 46 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। रैना अंत तक इस मैच में टिके रहे और उन्होंने नाबाद 104 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी टीम निजावान वॉरियर्स को जीत दिलाई। इससे पहले रैना ने टाइटन जेडएक्स की पारी के दौरान कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 27 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। रैना के इस प्रदर्शन से उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स खासी प्रसन्न होगी, जिसने आने वाले आईपीएल के लिए उन्हें अपनी टीम में रिटेन किया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रैना ने इस साल जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेला था। उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए उन्होंने पहले मैच में अर्धशतक की पारी खेली, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला नहीं गर जा और वो टूर्नामेंट के अगले 4 मैच में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। पिछले साल आईपीएल से पहले रैना की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने यूएई में हुए इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि ये भी खबरें हैं कि एमएस धोनी ने भी नेट्स पर अभ्यास आईपीएल के लिए शुरू कर दिया है। धोनी भी एक बार फिर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और उन्होंने आते ही हेलीकॉप्टर शॉट चढ़ने का पूरा प्रयास किया। यही वजह है कि एमएस धोनी और सुरेश रैना दोनों की ही जमकर बातचीत हो रही है। यही वजह है कि एक बार फिर एमएस धोनी और सुरेश रैना यानी कि थारा और चिन्ना थाला की सभी तरीके की चीजें देखने को मिलने वाली है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।